तो अभी अब मैं आप लोग को सबसे पहले मैं अपना प्लांट्स दिखा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ पानी डालने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे ये रबर प्लांट है, देखिए कितना बड़ा हो गया है ना। एकदम छोटा सा हम लेके आए थे, इसमें बस 3 पत्ते थे जब ये लेके आए थे तो, और अभी इतने सारे इसमें पत्ते हो गए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है रबर प्लांट। एंड ये कुछ लहसुन का पौधा है एंड उसमें पुदीना का भी पौधा है। तो बस मैं अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी थी और मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी। एंड अभी मैं बाहर आ गई हूँ प्लांट्स पे पानी देने के लिए। तो कुछ प्लांट्स में ना पत्ते आ रहे हैं हरे हरे, बहुत अच्छे लग रहे हैं वो देख के। जब न्यू पत्ते आते हैं ना प्लांट्स में तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। और तुलसी जी में भी पत्ते आने शुरू हो गए हैं, तो सुबह शाम तो पानी देना ज़रूरी होता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। पता था कि सूखा सूखा सा ना प्लांट्स हो गया है, उसकी मिट्टी पूरी ड्राई ड्राई हो गई थी, तो बस मैंने सोचा कि चलो पानी डाल देती हूँ। और तुलसी के पौधे में ना, तुलसी जी के पौधे में सिर्फ उसकी जो मिट्टी थी गीली थी, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं पूजा की थी तो जल देने गई थी तो उसकी मिट्टी गीली थी। स्पर्श यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज इनका पेपर था और पेपर की वजह से इतने दिनों से एग्जाम हम वेट कर रहे थे और वो आखिरकार इसका छूट गया, मतलब पेपर अपना ये नहीं दे पाया आज का। और बहुत हम भी वो कर रहे थे, फिर इनकी मैम से कल ही बात करी थी कि चलो ठीक है तो बाद में मंडे तक आई थिंक ठीक हो जाएगा। और आज फ्राइडे है, सैटरडे कल छुट्टी है, इनका ऑफ है तैयारी करने के लिए। एंड संडे छुट्टी है तो ठीक हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन आज वाला छूट गया। चलो मैं बोलूँगी ना मंडे को वो दिलवा देंगी, हाफ घंटे में तो ये आराम से ना अपना पेपर कर लेगा। चलिए फिर ब्रेकफास्ट में रोटी बनाने जा रही हूँ। रात में कलौंजी बनाई थी बैंगन की तो वो है, और सुबह सुबह आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे हॉल में बैठी हूँ और ये पूरा इसके ना आज देखिए यहाँ पे विक्स, ये दिख रहा है आपको इतना ये दाग सा दिख रहा है, ये वहाँ पे ना पूरा विक्स लगा दिया और ये पूरा डब्बा ये खाली कर दिया। यही कर रहा था, मतलब परेशान कर देता है पूरा विक्स। अब ये मुझे डांटेंगे, इनके पापा से मुझे डांट मिलेगी ना कि देखी नहीं सब्जी यहाँ पे रखा हुआ है। इसको भी मुझे अभी ना सेट करना है, ये सारा सब्जी यहीं पे भी है। क्यों लगाए हो बताओ, पापा मुझे डांटेंगे ना। सॉरी मम्मा बोलने से कुछ नहीं होता है, सॉरी बोल दोगे तो मम्मा मान जाएगी, पूरा दीवार खराब कर दिए ना, अच्छा नहीं लगता। या उसके बाद बोलता है कि सॉरी मम्मा, मतलब पूरा एक डब्बा ना विक्स खाली कर दिया। और चलो विक्स खाली कर दिया, उन्हें दीवार पे लगाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इतनी जल्दी जल्दी ना घर पेंट भी नहीं होता है। यहाँ भी देखिए इसने कैसे पहले का खराब किया, अभी तो ये छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं करता है, लेकिन यहाँ भी ना थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, अजीब सा कहीं कहीं लिखा हुआ। तो अभी मैं सारी सब्जियां निकाल के और थैले से बाहर रख रही हूँ, और ये सारी सब्जियां हैं, हफ्ते भर की सब्जियां हैं। और उसके बाद ये थैला मैं धूप में रख दूँगी, और क्योंकि ना इसमें रात में सब्जी लेके आते हैं और रात भर इसमें सब्जी पड़ी रहती है इस थैले में, तो थोड़ा बहुत ना मॉइस्चर पकड़ लेता है और फिर उसको वैसे ही रख दे तो फिर थैले से स्मेल आती है। तो इसलिए मैं ना थैले को सुखा के फिर मैं कबर्ड में उसको डालती हूँ। और मिर्च वगैरह सब थी तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सबको ओपन कर दे रही हूँ, सब पॉलीथीन को। एंड इसको मैं अभी जा रही हूँ डाल देती हूँ धूप में। तो यही सारे वेजिटेबल आए हुए हैं वीकली हमारे हैं। तो यहाँ ना बैंगन इस बार बड़ा बड़ा वाला लेके आए हैं, ये खीरा है, मटर है, भिंडी है, एप्पल है, फ्रूट्स में कुछ है एंड मेथी, पालक है और धनिया पत्ता और बीटरूट्स है। उसका जो पत्ता है ना वो भी लेके आए हैं, क्योंकि उसका ना साग भी बना दूँगी मैं। और साथ में ग्रेप्स है और कीवी तो मैं बोली थी लेके आने के लिए। और ये पत्ता गोभी है और लौकी है एंड गोभी, आलू, प्याज। आलू मेरे पास बहुत सारा था फिर भी, लेकिन इनको याद नहीं था तो ये लेके आ गए हैं। एंड ये ना 2 बजे के आसपास का कुछ क्लिप है। मैं सोची कि साग को ना थोड़ा बहुत जो बनाना है उसको मैं कट कर देती हूँ। और ये सबसे पहले तो बीटरूट का जो पत्ता है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये मैं सिर्फ यही नहीं बनाऊँगी, साथ में ना मैं इसमें मेथी भी ऐड करूँगी और मैं इसमें
पालक का कुछ पत्ता भी ऐड करूँगी, तो इससे ना ये अच्छा बनेगा। फिर इसी का सिर्फ बनाऊँगी तो अच्छा नहीं बनेगा। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे इस टाइम पर फीवर था, फिर भी मैं ना ये सब कर रही थी और मैं लेट सो गई थी। उसके बाद स्पर्श ना स्वीट्स के लिए बहुत रो रहा था, और एक्चुअली वो रो रहा था दूसरे चीज़ के लिए, घर जाने के लिए दादा दादी के पास, लेकिन फिर ना बोलता है कि स्वीट्स खाऊंगा। फिर करके ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं गूंथ ले रही हूँ गुलाब जामुन के लिए आटा, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, फिर भी इसी की वजह से ना कि कम से कम वो ना बोले कि मुझे जाना है, और फिर मैं आके सो गई थी। मैं गूंथ के आटा फिर सो गई थी। फिर वो आया और वो बोलता है ना, एक पार्सल आया हुआ था सुबह का, वो बोल रहा है मम्मा ओपन करो पार्सल पार्सल, क्योंकि जो भी पार्सल आता है ना उसको बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है कि उसमें क्या है देखने के लिए। जब वो खुल जाएगा उसके बाद उसको कोई भी चीज़ से मतलब नहीं होता है कि क्या है, लेकिन जब तक वो नहीं खुलता है ना तो बस उसके पीछे ना उसको उठाता है रखता है ऐसे करता रहता है। फिर मैं बोली आके साइड में बैठो मैं खोल के दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये हमने जो स्पर्श के लिए बॉल मंगाया था ना, थेरेपी बॉल जो था, आप जिम बॉल बोलो या थेरेपी बॉल बोलो, तो वो पहले वाला ना बड़ा साइज़ था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। तो फिर ना फिर इन्होंने ये दूसरा ये इन्होंने मंगाया है, और ये उससे छोटा साइज़ है, क्योंकि उस पर ना ग्रिप नहीं बन रही थी, बैठने बैठने पे जंपिंग भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये आएंगे तब हवा भरेंगे, फिर मैं अभी ना सो जा रही हूँ। और मुझे ना बहुत ही तेज़ फीवर था, और मैं सोई रही कम से कम 2 घंटे तक लेटी हुई थी। एंड उसके बाद ना ये शाम के 5:30 का क्लिप है, 5:30 या 6 बज रहा है, और मैं अभी फिर से ना गुलाब जामुन बनाने के लिए आ गई हूँ। और मैंने गैस को यहीं पे कर दिया, क्योंकि स्पर्श को भी फीवर था और वो भी इरिटेट हो रहा था, बार बार रो रहा था, तो मैंने सिलेंडर को ही बस इधर थोड़ा सा करके यहीं पे बैठ गई बनाने के लिए, क्योंकि वैसे ही मेरा बैक पेन तो रहता ही और हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैं चाशनी के लिए भी रख दी हूँ, एंड उसके बाद यहाँ फ्राई करना भी है मुझे। सारे बॉल्स मैंने अभी भी बैठ के यहीं पे बना लिए हैं, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाल के देखी, एंड एक एक करके ना सारे बॉल्स में डाल के और फ्राई कर लूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। इससे क्या होता है ना, अंदर कच्चा नहीं रहता है, और ऐसे हम करेंगे ना तो फिर वो कच्चा रहता है, और चाशनी में डालने के बाद भी ना अंदर हार्ड हार्ड सा हो जाता है। तो देखिए एक साइड में चाशनी भी लगभग अभी बनने को तैयार हो गया, थोड़ा देर और लगेगा। और यहाँ पे बॉल्स भी सारे मैं गुलाब जामुन के लिए फ्राई कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तभी हमें उतारना होगा। और इसमें मैंने इलायची वगैरह भी डाल दिया है, और इलायची डालने से अच्छा लगता है, फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। एक्चुअली ये पैकेट ना महीने भर से रखा हुआ था, लेकिन आज वही होता है ना कि जब मुहूर्त कोई चीज़ का बनता है तभी बन पाता है। और स्पर्श अचानक से रोने लगा, अब उसको मनाने के लिए ना मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे एक मैं बैच निकाल ली हूँ फ्राई करके, 3 बैच में पूरा ये फ्राई हो जाएगा। एंड गुलाब जामुन का चाशनी भी ना बन चुका था, तो उसमें मैं जितना निकाली थी ना वो मैं डाल दे रही हूँ, और इतने अच्छे से ये फूल गया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था एंड एकदम सॉफ्ट सा बना था। और ये ढक देने से क्या होता है ना, गुलाब जामुन एकदम जितना आप डालोगे ना उसका डबल ट्रिपल हो जाता है, तो इसलिए मैंने ढक दिया। और ये 2nd बैच भी मैंने निकाल लिया। स्पर्श अभी से मांग रहा था कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए, तो मैंने उसको ना 1-2 इसमें से ड्राई वाला ही खाने के लिए दे दिया है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है जो पहले डाली थी। एंड ये 2nd वाला भी मैं इसमें डिप करके छोड़ दे रही हूँ और ढक दूँगी। ढकूँगी ना तो बहुत अच्छे से ये फ्राई मतलब एकदम बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, बाद में आपको दिखाती हूँ। और ये सारा मैंने डाल दिया और ढक के अब छोड़ दूँगी। बस थोड़ी देर में मेरा गुलाब जामुन रेडी हो जाएगा। एंड ये साग भी मेरा बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ना 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और इतना सा इनके लिए मैं बना रही हूँ। और ये मटर की दाल में बना रही हूँ, तो इसमें आलू भी मैंने एक डाला है, और ये भी तैयार ही है लगभग। और देखिए ये गुलाब जामुन कितना बड़ा बड़ा हो गया, ये भी ऑफिस से आ गए थे और इतना सॉफ्ट बना ना, ये कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये कट हो गया ना, एकदम सॉफ्ट बहुत टेस्टी बना था। ऊपर से अगर आपको नारियल का बुरादा डालना है तो वो डाल दीजिए। तो फिर ये ना वेट कर रहे थे और मैं भी, ये बोले क्या बना है, इनको थोड़ा सा फील हो गया था कुछ ना कुछ बना है, मैं भी इनका मुँह मीठा करा दिया कि चलो अगर आप पूछ रहे हो ना तो आपको मैं खिला देती हूँ। फिर स्पर्श भी मांगने लगा, तो उसके लिए भी मैं अभी लाने के लिए गई हूँ। एंड अभी ने मैं दवा खा के सोई थी ना, थोड़ा सा मेरा फीवर अभी उतरा हुआ है। एंड ये दोनों लोग खा रहे थे, मैं बाद में खाऊंगी, और खाना भी लगभग बन ही गया था, रोटी बस मुझे बनानी है। और अभी आपको थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा वीडियो आ रहा होगा ना, क्योंकि एक साइड की लाइट ख़राब हो गई है, तो वही ये चेक कर रहे थे। तो उसके बाद ये रात का टाइम है, 9 बजे के आसपास का ये टाइम है। और यहाँ ने ये जो बॉल आया था उसमें स्पर्श
फिर से बोल रहा था कि पापा बॉल बॉल, तो ये ना इसमें हवा भर रहा है अभी बैठ के। और ये देखिए उससे छोटा साइज़ है, वो बहुत बड़ा साइज़ हो रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि पहले स्पर्श के पास छोटा था तो अभी वो बड़ा हो गया है, तो मैं उसके लिए बड़ा बोलूँ ऑर्डर करने के लिए इनसे, लेकिन ये छोटा वाला फिर मंगाना ही पड़ा आगे क्रम में। एंड होता है ना कि जो चीज़ ठीक रहती है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को रखना भी चाहिए, तो इसमें वो कम्फर्टेबल भी फील करेगा। एंड ये थोड़ा सा हवा कम उससे भरा गया था क्योंकि वो फट जाता, तो फिर इसके साथ जो हवा भरने वाला मिला हुआ था उससे ये अभी भर रहे हैं। तो मैं बोल रही थी नैन्सी कि हवा कम है, ये बोल रही थी कि हवा कम रहेगा तभी ग्रिप बनेगी बैठने में। तो बस ये वीडियो तो एडिट करने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ।